नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज बीजेपी प्रत्याशी रघुवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में आए अभिनेता व सांसद रवि किशन ने डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। सांसद जगदम्बिका पाल समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सांसद रवि किशन ने कहा कि 325 सीटों पे हम चुनाव जीत रहे हैं, पहले चरण से ही हम चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा दावा किया। वहीं उन्होंने कहा कि सपा ने क्या किया कि जनता उन्हें वोट दे, जमकर निशाना साधा। इसी बीच कहा, कोरोना काल में आजमगढ़ में अखिलेश यादव को लोग खोज रहे थे। आगे क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे लिए रवि किशन जी नंदन, हमारे माननीय सांसद जी डुमरियागंज विधायक एवं भोजपुरी के प्रधान श्री दिलीप पांडे उर्फ छोटे पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन स्वागत। श्री राम श्री राम श्री लोगों को लोजा जी, हम लोग के राजा श्री आदिवासी पार्टी जी, हम 325 का आंकड़ा डाक रहे हैं। उन लोग सबका बुद्धि, लोग बाल नोच रहा है अपना। उन लोग को पता है उनकी हार पहले चरण से। हम गाजियाबाद में थे, हम नोएडा में थे, हम वहाँ भी थे, हम यहाँ भी हैं। हम तो जमीन पे घूम रहे हैं, ये पूरा देख रहे हो। हमको तो ये मालूम, दिखाओ तो ये है। ये लोगों ने क्या किया है लोग जीतेंगे? पहली बात तो आप लोग को भी सोचना चाहिए कि लोगों ने ऐसा क्या काम किया है कि लोग जीतेंगे, और ये लोग को क्यों जनता जिताएगी? कोरोना में कहां थे आजमगढ़? अखिलेश यादव को खोज रहे थे कि कहां है हमारे सांसद जी? ये लोगों ने क्या काम किया? कब अनाज बांटे, कब शौचालय दिया, कब मकान दिया, कब बिजली दिया? हमेशा हम लोगों को ये लोगों ने दबाया है, गोजी से मारा है, गोली से मारा है। कहां जनता इनको जिताएगी?